अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को हमारे चैनल टेक 18 पर दिल से स्वागत है। आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे जो बहुत डिमांडिंग विजुअल्स है पावर बीआई का, जो है पैजनेटेड रिपोर्ट विजुअल्स। पर्सनली आई लाइक द मोस्ट दिस विजुअल बिकॉज मेरा बैकग्राउंड SSRS से ही है और इससे हम लोग काफी सारे हद तक चीजें बना सकते हैं। तो कैसे आप पावर बीआई के अंदर इसको इंटीग्रेट करेंगे ये जानेंगे इस वीडियो में। ये रहा पावर बीआई फाइल जिसके अंदर मैंने ये वीडियो बनाया हुआ था पहले भी कि आप COVID-19 सेकेंड ईयर का डिटेल इन्फॉर्मेशन है इसके पास, तो आप इस पे जाके यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। रही बात इस वीडियो की, ये जो विजुअल आप देख रहे हैं ना, ये तो है पेजनेटेड रिपोर्ट। यहाँ पे आप विजुअलाइजेशन पेन पे देखेंगे तो यहाँ पे एक आइकन है पेजनेटेड रिपोर्ट प्री विजुअल्स, और साथ साथ आप अगर से आप इस पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा पेजनेटेड रिपोर्ट विजुअल्स। तो बेसिकली यहाँ पे ग्राफ है, यहाँ पे एक टेबल है। अब भी जब मैं टेबल पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अप्लाई चेंजेस आ गया बटन, तो किस यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे महाराष्ट्र फिल्टर हो गया, मैप भी महाराष्ट्र फिल्टर हो गया है और यहाँ पे लोड रहा है ये भी महाराष्ट्र फिल्टर हो गया। इसका बेस्ट फीचर जो है, आप इस टेबल को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं या तो एक्सेल, PDF और CSV फॉर्मेट, पावर पॉइंट जैसे काफी सारे फॉर्मेट्स हैं इसके अंदर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसके अंदर से। तो लिमिटेशन जो है पावर बीआई का, जो अगर से ये टेबल का आप एक्सपोर्ट करेंगे आप 150,000 रोज ही आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे, बट यहाँ पे उतना लिमिटेशंस नहीं है। बट एक लिमिटेशन क्या है बताएं आपको, पावर बीआई प्रीमियम पर यूजर या तो फिर आपको पावर बीआई प्रीमियम लाइसेंस चाहिए, ये प्रो लाइसेंस पे वर्क नहीं करेगा। तो अभी आप देखेंगे आप ये कैसे कर सकते हैं। पहला, ये रिपोर्ट जो है मैंने विदाउट ये प्रेजेंट रिपोर्ट विजुअल के बगैर ही मैंने ये सारे रिपोर्ट बना के पावर बीआई सर्विस में पब्लिश कर दिया है, जो प्रीमियम प्रीमियम पर यूजर वर्कस्पेस है। इसके बाद आप अगर यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे प्रीमियम पर यूजर डेस्क वर्कस्पेस है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो आप इसके अंदर देखेंगे तो ये पावर बीआई डेटा सेट और रिपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे पब्लिश कर दिया है मैंने। इसके बाद आपको पावर बीआई रिपोर्ट बिल्डर डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे आप क्रिया कर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेटिंग्स या डाउनलोड पे आ जाइए तो यहाँ पे प्रेजेंट रिपोर्ट बिल्डर है, ये आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पीसी में सेपरेट इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप ये रिपोर्ट ओपन कर सकते हैं। आप ये पावर बी डेटा सेट को कैसे कनेक्ट करेंगे वो भी जानेंगे अभी। तो यहाँ पे आप बेसिकली डेटा सोर्स है, यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पे दो ऑप्शन है, ये तो फिर ऐड पावर बी डेटा सेट कनेक्शन या ऐड डेटा सोर्स। ऐड डेटा सोर्स मानेंगे तो वो तो रेगुलर प्रोसेस है, जैसा कि आप अपना SQL, SQL, Oracle कुछ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है ऐड पावर बी डेटा सेट कनेक्शन, ये आप क्लिक कर लेंगे तो एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपके सारे वर्कस्पेसेस जो भी हैं आपके यहाँ पे लिस्टेड हो जाएगा, और जो भी यहाँ पे डायमंड सिंबल या डायमंड विद पर्सन है वो आपको नजर आएगा, तो आप उसी को क्लिक करें क्योंकि सादे वर्कस्पेस में आपको ये काम नहीं चलेगा, तो या तो प्रीमियम या तो प्रीमियम पर यूजर पर ही वर्क करेगा। तो यहाँ मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया प्रीमियम पर यूजर टेस्ट, इसके अंदर जो है ये वाला मुझे चाहिए एक्चुअली। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको सेलेक्ट करने और आपको यहाँ पे ये कनेक्शन हो जाएगा। अब रही बात डेटा सेट की, डेटा सेट आप कैसे ऐड करेंगे, ये आपको राइट क्लिक करना है, ऐड डेटा सेट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेटा सोर्स आएगा, आपको यहाँ पे जो अभी आपने डेटा सेट क्रिएट किया डेटा सोर्स वो आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे क्वेरी डिजाइन पर क्लिक करके, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ आपका मॉडल्स, मेजर्स, KPI जो भी आपने वो डेटा सेट के अंदर बनाया हुआ सारे लिस्ट हो गए यहाँ पे। ये बेसिकली दो टेबल है मेरे पास, वो यहाँ पे दिखा रहा है आपको, और जो भी आपको यहाँ से कॉलम्स चाहिए ये सारे लिस्ट ऑफ कॉलम्स हैं, आप यहाँ पर राइट क्लिक करके ऐड टू क्वेरी डाल दें। जैसे मुझे सीरियल नंबर चाहिए, मुझे यहाँ पे टोटल केसेस चाहिए, एक्टिव केस टोटल चाहिए मुझे, और डेथ टोटल चाहिए, और यहाँ पे क्यूर और डिस्चार्ज माइग्रेटेड टोटल ये चाहिए मुझे। तो बेसिकली यहाँ पे ये सारे इन्फॉर्मेशन आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे आपको क्लिक टू एग्जीक्यूट देखो क्लिक करना है। एक सैम्पल डेटा आपको नजर आने लगेगा क्या है इसके अंदर बोल के, उसके बाद आप अगर ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको एक डैक्स फंक्शन नजर आएगा कि यहाँ पे एवेलुएट समराइज कॉलम्स, ये टेबल और कॉलम नेम्स यहाँ पे लिस्टेड हो गया आपको। ये करने के बाद आप ओके कर सकते हैं, अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आपको डेटा सेट ऐड हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका रेगुलरी प्रोसेस ये, जैसा कि आप यहाँ पे टेबल इंसर्ट करेंगे, फॉर एन एग्जाम्पल टेबल मैंने यहाँ पे इंसर्ट करके डाल दिया, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको डेटा सेट सेलेक्ट करना है, डेटा सोर्स, यहाँ पे डेटा सेट जो अभी हमने सेकेंड क्लिक किया वो क्लिक करेंगे, उसके बाद आप जो भी कॉलम आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने किया एक्चुअली, ये भी जरूरी नहीं है। इसके बाद आप पब्लिश कर देंगे, ये पावर बी सर्विस पे पब्लिश कर देंगे, आप वहां से पावर बी में कनेक्ट कर सकते हैं। मगर एक चीज आपको यहाँ पे करना है, अगर आपको पावर बी के साथ साथ
और भी प्रेजेंट पर भी इंट्रैक्शन चाहिए, जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे महाराष्ट्र पे क्लिक किया तो यहाँ पे रिपोर्ट भी महाराष्ट्र फिल्टर हो गया। तो ये जो इंट्रैक्शन है ना विजुअल्स के अंदर, पावर बीआई और प्रेजेंट रिपोर्ट के अंदर, ये अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए आपको पेज रेट रिपोर्ट में आपको पैरामीटर क्लिक करना पड़ेगा। तो पैरामीटर आप कैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड पैरामीटर दे देंगे। ऐड पैरामीटर देने के बाद आपको लगभग इसी तरह आपके एक विंडो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप अपना नेम दे सकते हैं। यहाँ मैं जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे आप पैरामीटर नेम और उसका जो प्रॉम्प्ट नेम दे सकते हैं। आप यहाँ पे डेटा टाइप सेलेक्ट करें क्या है उसका डेटा टाइप, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे ब्लैंक वैल्यूज, नल वैल्यूज, मल्टीपल वैल्यूज सेलेक्ट कर दिया। तो पैरामीटर विजिबल कर दिया मैंने और यहाँ पे अवेलेबल डिफॉल्ट वैल्यूज और एडवांस पे कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया, तो क्योंकि ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा बेसिकली। तो अभी इसके लिए हम लोग यहाँ पे कवर नहीं करते हैं टॉपिक, पैरामीटर्स के लिए सेपरेट वीडियो पे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं एग्जिट कर लेता हूँ, क्लिक ओके। आप पैरामीटर क्रिएट करने के बाद इस टेबल को सेलेक्ट करें और यहाँ पे राइट क्लिक करके आप टेबल प्रॉपर्टीज पर सेलेक्ट जाएं। यहाँ पे जाएंगे तो आपका फिल्टर है यहाँ पे ऑप्शन, तो फिल्टर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से एक्सप्रेशन में, बेसिकली आप एक्सप्रेशन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कॉलम नेम जो है वो सेलेक्ट करें। आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑपरेटर जो है इन है, क्योंकि मैं मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो आप इन सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप एफ एस क्लिक करके एक विंडो ओपन होगा आपको, यहाँ पे पैरामीटर्स ऑप्शन है, यहाँ पे ऑल बोल के यहाँ पे आप ये स्टेट को डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। एग्जाम्पल आपको ऐसा वैल्यू आ जाएगा, पैरामीटर्स एक्सक्लेमेशन मार्क स्टेट डॉट वैल्यू। और आपको यहाँ पे ये तीनों जो है ना ये आपको हटा देना है, यहाँ से हटा देने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आके आप ओके कर दें और इस हो गया इसका भी, और यहाँ पे भी आप ओके ओके कर दें। उसके बाद आपको पब्लिश करना है, पब्लिश करेंगे तो ये पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा आपको, और यहाँ पे आपको प्रीमियम या प्रीमियम पर यूजर वर्कस्पेस सेलेक्ट करके आपको रिपोर्ट नेम देके आपको यहाँ पे पब्लिश करना पड़ेगा। जैसे ही आप ये सारी चीजें कर लेंगे के बाद आप पावर बी आई पे चले जाएं। तो पावर बी आई डेस्कटॉप को मैं चला गया यहाँ पे, तो बेसिकली मैं अभी ये के लिए आपके लिए ये रिपोर्ट जो है यूजुअल छोटा कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक रिपोर्ट एडिशनली ऐड कर देता हूँ यहाँ ब्लैंक स्पेस पे, ताकि शुरू से हम लोग यहाँ पे डेमो देख सकें। तो यहाँ पे आ गया रिपोर्ट बेसिकली, तो मैं इसको थोड़ा अलाइन कर लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ऑल द बेनिफिट्स ऑफ पेजनेट रिपोर्ट्स एट योर फिंगर टिप्स, प्रिंट विद इजी, मेंटेन ए टाइडी लेआउट एंड मोर। तो यहाँ पे आपको कन्वर्ट टू रिपोर्ट क्लिक करना है, तो कन्वर्ट टू रिपोर्ट आप क्लिक करेंगे तो बेसिकली आपको यहाँ पे एक पॉपअप विंडो ओपन होगा। मेक श्योर आप लॉग इन कर चुके हैं पावर बी आई और पावर बी पैनल के अंदर, अपना जो यूजर नेम पासवर्ड है वो आप लॉग इन करेंगे, अभी आपको ये सब चीजें वर्क करने मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो लिस्ट ऑफ पेजनेट रिपोर्ट आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ पे नजर आएगा। तो मेरा यही है अभी के लिए, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेट पैरामीटर्स, पैरामीटर्स जो अभी आपने सेलेक्ट किया ना, तो इसीलिए अगर आपका कुछ पैरामीटर नहीं है तो आप ऐसे ही दिखा रहे हैं तो दिखा सकते हैं, वैसे भी डेटा लोड हो जाएगा बट इंट्रैक्शन नहीं रहेगा आपको, तो इंट्रैक्शन होना जरूरी है ना बेसिकली, तो इसीलिए आपको यहाँ पे सेट पैरामीटर्स क्लिक करना पड़ेगा। सेट पैरामीटर्स क्लिक करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे आपको तो डेटा मॉडल से आपको यहाँ पे जो पैरामीटर है वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मुझे एक रेड सिंबल बताया गया, सेलेक्ट रिलेटेड फील्ड टू मैप पैरामीटर्स। तो अभी कौन सा फील्ड, पैरामीटर्स हमने पेजेंट डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया, तो यहाँ का पैरामीटर और पावर बी का पैरामीटर कौन सा मैच करना है, इसीलिए हमको यहाँ से COVID-19 टेबल के अंदर से मैंने स्टेट का क्रिएट किया हुआ ना, तो मैंने नेम ऑफ द स्टेट यहाँ पे ड्रैग करके ये जो विजुअलाइजेशन पेन है यहाँ पे पैरामीटर्स पे डाल देना है। मल्टीपल पैरामीटर्स आप क्रिएट किए हैं तो आप मल्टीपल भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ये एनेबल हो चुका है ऑप्शन, तो यहाँ से आप कौन सा वो कॉलम है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने ये की क्रिएट किया हुआ है, तो स्टेट और यहाँ पे मैं ये कॉलम सेलेक्ट कर दिया, तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे आ गया। तो आप सी रिपोर्ट क्लिक करेंगे, बस आपको डेटा लोड हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए आप लोड हो गया यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ महाराष्ट्र, रिवोक करने के पर आपको यहाँ पे डेटा लोड हो गया है, बट यहाँ पे अप्लाई चेंजेस बटन आ गया, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है इसका, ताकि ये हर एक चीज के लिए लोड ना हो, तो इसीलिए अप्लाई चेंजेस बटन है, ये भी अच्छे के लिए एक्चुअली। यहाँ पे देखिए आप सारे रिपोर्ट यहाँ पे मैंने लोड हो गया। अभी मैं एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे केरला सेलेक्ट करता हूँ, तो मैप में फिल्टर हो गया, और अभी मैं यहाँ पे अप्लाई चेंजेस क्लिक करूंगा ना, तो ये भी आपको केरला फिल्टर हो जाएगा। ये फिल्टर पैरामीटर जो हमने टेबल के अंदर लगाया हो ना, तो इसके थ्रू से ये डेटा पैरामीटर थ्रू से पेजेंट रिपोर्ट के अंदर पास होके यहाँ पे डेटा फिल्टर हो रहा है।
तो ठीक है, अभी आप चाहते हैं कि ये फिल्टर ना हो, मतलब ये जो अभी अप्लाई बटन जो आ रहा है यहाँ पे वो आपको नहीं चाहिए। तो बेसिकली आप ये जो पेजेंट रिपोर्ट है ना, इसके आप क्लिक करके यहाँ पे फॉर्मेट टैब में जाके, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो टूल बार, दूसरा ऑटो अप्लाई। तो आप ये चेक करेंगे तो ऑटो अप्लाई ऑन करना है। वैसा करने से आपका रिपोर्ट परफॉर्मेंस जो है थोड़ा स्लो रहेगा, क्योंकि हर एक इंट्रैक्शन पे यहाँ पे डेटा यहाँ पे पास होके वैल्यू चेंज होना है, तो थोड़ा स्लो रहेगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कर्नाटका सेलेक्ट करता हूँ, तो साथ साथ ये भी रिपोर्ट फिल्टर आ रहा है, मैप भी चेंज हो गया मुझे, और ये भी यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है वैल्यू। अगर मैं रिवर्ट करता हूँ ये प्रोसेस, तो यहाँ पे भी वैल्यू रिवर्ट हो चुका है, और यहाँ पे भी ये डेटा वैल्यू चेंज हो रहा है। आप देखेंगे थोड़ा टाइम लग जाना है, तो इसीलिए आपको अगर से कुछ और चीज़ें करनी है तो उस पर अप्लाई बटन रखना बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। और उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अगर से ये रिपोर्ट आपको एक्सपोर्ट करना है, तो आप यहाँ पे रिपोर्ट को, ये विजुअल को सेलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ विजुअलाइजेशन पेन पे जाएं, यहाँ पे टूल बार ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे टूल बार सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक्सपोर्ट का एक टूल बार यहाँ पे आ गया है यहाँ पे। तो बेसिकली आप यहाँ से डेटा सब कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, एक्सेल, पीडीएफ और सीएसवी कुछ भी फॉर्मेट में। यहाँ पे और एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल गया है, जैसा कि पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स आप एनेबल कर देंगे यहाँ पे, तो जो भी पैरामीटर आपने वहां पे क्रिएट किया हो ना, तो यहाँ पे बेसिकली विजिबल हो जाएगा यहाँ पे। एक्चुअली हमने तो यहाँ पे इंट्रैक्शन के थ्रू किया हो ना, तो हमारे लिए यहाँ पे ये जरूरी नहीं है। अगर से आप इंट्रैक्शन के थ्रू से नहीं करते हैं, जैसे ही आप एक प्लेन रिपोर्ट यहाँ के अंदर लाते हैं, तो आपको ये यूजफुल रहेगा, बट बेसिकली ये अभी यहाँ पे यूज नहीं है हमारे इस कॉन्सेप्ट में। अगर ऐसे आप चाहते हैं कि कुछ यहाँ पे आप सेलेक्ट करें महाराष्ट्र, या तो फिर आप यहाँ पे डेट कुछ फिल्टर लगाना चाहते हैं जो आप पावर बेस से इंटेग्रेट नहीं करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। बेसिकली तो स्टेट जो है पावर बेस से लिंक हो जाएगा, और जो डेट वाला है कॉलम वो यहाँ पे डायरेक्टली आप मैनुअली चेंज करके आप व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करके उसके बाद आप डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ की तरफ से। तो ये है इसका ऑप्शंस। तो इसी तरीके से आप पावर बी आई पैजनेट रिपोर्ट पावर बी विजुअल के अंदर यूज कर सकते हैं। ये काफी बढ़िया चीज है, काफी सारे इसको लाइक कर रहे हैं यहाँ पे, ये काफी बहुत बड़ा फीचर है, पावर बी आई ने लॉन्च किया हुआ है अभी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, जरूर करें। अगर आप इस चैनल को पहली बार आए हैं और अभी तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन साथ साथ प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अभी आप चाहते हैं कि मैं इस हिंदी जर्नी को कंटिन्यू करूँ, प्लीज आपके कमेंट्स को कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा, ताकि मैं कंटिन्यू करता रहूँ हिंदी पे ही। इस वीडियो को शेयर करें, देखते रहें, सीखते रहें, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।